अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और साथ ही गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है, अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, फिर वहाँ से आऊँगा 1:30 बजे, फिर नाश्ता भी कर लूँगा और अपना ब्लॉग अपलोड भी। और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी है पॉडकास्ट की, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि कल है फ्राइडे और होने वाला है शूट। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पॉडकास्ट में उसका आंसर बता दूंगा आप लोगों को पूरा, आप लोगों को अच्छे से उसका जवाब मिलेगा। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जो इलस्ट्रेटर आप लोग पूछ रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो ब्लॉग में समझ आया होगा कुछ ना कुछ। तो आज का ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। चल अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, उधर कुछ काम वगैरह वहाँ से फारिग होते हैं, फिर आते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो जब वीडियो अपलोड करने आऊँगा तो नाश्ता वगैरह भी उसी टाइम कर लूँगा। शॉप से आ चुका हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए और मैंने अपना लैपटॉप भी ऑन कर लिया। अब करते हैं हम लोग जल्दी से वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख लें, लाइक कमेंट्स लाजमी करना। अभी मैं शॉप से आया हूँ और ये देखो, ये मेरा भांजा ना सो रहा है ना, ये घर आया हुआ था और मैं शॉप में था, मैं इसको प्यार वगैरह नहीं किया। अभी मैं आया हूँ शॉप से तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया। मामा ने बोला ये सो रहा है, मैंने बोला चलो इसको उठाते। मर ऐसा नहीं उठ के ये रोने लगते। अरे उठना बाबा, बाबा बाबा उठो, उमा उठना। उमा कितने गहरे नींद में सो रहा है यार, ये इतना गहरे नींद में तो मैं भी नहीं सोता हूँ। चले एक बार और ट्राई करते हैं, ये उठता या नहीं उठता। उमर, उमर बाबा है ये ते उमर, उमर मामू, उमर उठो ना, चलो घूमने चलो। ऐसा इग्नोर मारे यार इसने मुझे। या ये मेरी क्यूट सी भांजी, वो तो उठा नहीं, उसको वन बार और ट्राई करेंगे कि वो उठता है या नहीं उठता है। इसके अभी स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और ये देखें दंगी वाला काम कर रही है, ये कार्टून देख रही है। अभी कल इसका एग्जाम है, आज भी एग्जाम था, आज इसके स्कूल में लाइट नहीं थी। सीन ये हुआ कि ये घर आई है तो अपनी मामा को बोल रही कि मैंने स्कूल में कुछ नहीं लिखा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाती नहीं है। तो जब ये घर पे आई तो मैंने इससे पूछा कि तुमने कुछ लिखा या नहीं, ये मुझसे डरती बहुत है। तो इसने कहा हाँ मामू मैंने लिखा है। तो पढ़ती काफ़ी अच्छा है ये, कल इसका ओरल पेपर है उसकी। आयशा तैयारी किया आपने, कल ओरल पेपर है ना आपका, याद किया आपने, बोले मुँह से। अच्छा हेलो, जल्दी हाथ हैंड से करो। ये इसको ना उर्दू सही नहीं आता, ये ज़्यादातर ना इंग्लिश ही बोलती है और इतना हार्ड इंग्लिश होता है मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आता इसका इंग्लिश। वन बार और ट्राई करते ये उठता है या नहीं उठता है, क्योंकि काफ़ी देर से इसको मैं उठा रही हूँ, उठता नहीं। उमर मामू बात सुनो, ये देखो पप्पी पप्पी, ये इग्नोर बहुत कर रहा है। चलो मामू चले बाहर बाइक में घुमाने, चलो उठो। ये देखे उठ गया फौरन, इधर आ मामू पास, मामू पास पप्पी दे दे मामू को, ये देखो कैमरा बाबा, पप्पी दे दे पप्पी दे दे पप्पी दे दे। चलो यार ये उठ गया, इसको मैं उठा के लेके जाऊँ, चीज वगैरह कुछ दिलाऊँ। ये नाश्ते में आ चुके हैं मैक्रोनी, अब खाते हम लोग जल्दी से मैक्रोनी, फिर रेडी होने जाएंगे क्योंकि कॉलेज का टाइम हो जाएगा। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है।
अब इसके साथ आया हूँ मैं टेरिस में, और इसका नाम ओरल पेपर है। क्या नाम है, क्या याद कर लो मुझे मामू? अमीरुद्दीन। इसको याद करना, और क्या बोली बोलो ऐशा? अबे अमीरुद्दीन। इसको बोलना नहीं आ रहा। What is the name of your teacher? How many people are there in this picture? 4 table. How many students are there in the picture? 15. From which part of the body do we hear? Hair. Which part of the body happens to walk? Foot. How many fingers does the hand have? 5 fingers. Which is the most edible vegetable in the world? Mango. Which is the most edible vegetable in the world? Cactus. Which fruit is the king of fruits? Mango. What is the name of our country? Pakistan. Who is the founder of Pakistan? Nadia Hashem. Name the vegetables which part and the world flowers? Cornflower. Good. How many colors are there in our national flag? Two colors, white and green. Who designed our flag? Amiruddin. Good. Amiruddin. Amiruddin. MashaAllah, इसने सब याद कर लिया। कल इसका है oral paper. इसने सब तैयारी कर ली। अब मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज, टाइम हो रहा है। अब पता नहीं कॉलेज से आऊँगा ये होगी या नहीं होगी, शायद अपने घर चले जाए अगर इसके पापा लेना है। आशा मामू को अल्लाह भी बोलो, बुक गिर जाएगा। इधर रखिए, नीचे इधर आइए, पप्पी दिए मामू को। मामू जा रहे, ठीक है? ओके, अल्लाह मामा। मामू कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है? कॉलेज जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कॉलेज का टाइम हो गया, अब चलता हूँ लोग सीधा कॉलेज। दोस्त के पास भी जाना, उसके पास कुछ काम है, कैमरे वगैरह के इंतजाम करना है। दोस्त से शूज क्या है मेरा। कॉलेज से फारिग होकर मैं आ चुका हूँ, और यार मुझे ना, मैं सुबह जैसे ही उठा मुझे मेरी दोस्त ने मैसेज किया कि शुएब रिजल्ट आ गया है कराची में। तो वो तो कराची से बिलोंग करती नहीं है, तो एक अच्छी दोस्त है। मैंने उसको कहा कि नहीं यार रिजल्ट नहीं आया। जब मैं सो कर उठा, मैं मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया मैंने, तो ना फ़ौरन उसका मैसेज आया ना, तो मैं देखते साथ ही फ़ौरन ना आईज मेरी ओपन हो गई। क्योंकि मैं जब आप लोगों को पता है कोई भी उठता थोड़ा नींद में ही होता, फ़ौरन ना आईज मेरी खुल गई। मैं फ़ौरन दोस्त को मैसेज किया, दोस्त ऑनलाइन था, उसने कहा नहीं नहीं आया। फिर मैं काफ़ी मरतबा काफ़ी उसको मैसेज किया कि नहीं आया नहीं आया, उसने कहा आ गया ये वो। उसने ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बोला, मैं भी डर गया, मैं समझा आया होगा, तो मैं चेक नहीं किया, सारे दिन बिजी था मैं। तो मैंने बोला चलो यार अभी चेक करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आया या नहीं आया। लेकिन यार ऐसा कुछ सीन तो नहीं है। मैंने अपने एक दो दोस्तों से और पूछा, उन्होंने दो ने कहा आया, एक ने कहा नहीं आया। अब किसके बाद मैं भरोसा करें ये भी नहीं पता, तो मैंने बोला चलो खुद ही चेक कर लेते हैं। अभी मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, चेक करते हैं रिजल्ट आया या नहीं आया। पहले मैं फेसबुक ऑन कर लूँ, क्योंकि रिजल्ट उसने कुछ मुझे सेंड किया था, उस पर जाने के बाद रिजल्ट आता है, ठीक है? तो मैं पहले देखूं कि वो क्या है, तो फिर सर्च बॉक्स में उसको सर्च करूंगा, देखूंगा रिजल्ट आया नहीं आया। उसने सुबह से मेरा दिमाग खा लिया कि रिजल्ट आ गया। मैं चेक करता हूँ ज़रा आया या नहीं आया सेकंड ईयर रिजल्ट कॉमर्स। तो ये मेरा फेसबुक ऑन हो गया है। मैसेंजर आप लोग ना देखें, क्योंकि मैसेंजर में बहुत सारा है। मैसेंजर में आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैसेजेज हैं, और आप लोगों को तो पता है ना आजकल के जो हमारी जो यूथ है, हमारे उम्र के लड़के, इस वजह से मैं अपना फेसबुक आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। तो ये मेरा मैसेंजर है, मैं पहले इसका मैसेज खोल लूँ। अरे मैं खुद निकाल लूँगा कि सर्च बॉक्स में जाने के बाद वो सर वैसे गम नहीं है। फ्रेंड बनाओ तो लेजेंड फ्रेंड को फ्रेंड बनाओ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार मैं नेम छुपा दूं, क्या लिखा हुआ है यार? ये तो सही से नजर भी नहीं आ रहा मुझे। वेट, 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 वेट। ये रहा। उसने
कहा कि ये देखो ये आया हुआ है कि कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट नहीं आएगा। BISE कराची बोर्ड पे चेक करते हैं कि रिजल्ट आए या नहीं आए। क्या था अबे यार लक्कड़ काफी ज्यादा हूं मैं। BISE कराची बोर्ड ये रही आ गया सेकेंडरी एजुकेशन कराची रोल नंबर। चलो इसमें डालते अपना रोल नंबर। हालत तो बहुत बुरा हुआ है, चेक करते कि रिजल्ट आए या नहीं आए। अरे यार नहीं आए, लाहौर में आया। बोला ना कि वो कराची से बिलोंग नहीं करती, उसने पता नहीं कहाँ का देख लिया। सुबह से मेरा उसने दिमाग खा गया कि रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया। मैं भी डर गया था, कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आया यार। वो ब्लॉग तो ये देखेगी उसको मैंने कितना ब्लॉग में जलील नहीं किया। एक चीज बताया यार, आप किसी को टेंशन दे रहे हो, पहले खुद तो कन्फर्म करो। अभी तो ये सब छोड़ो कि रिजल्ट तो नहीं आया, मैं चेक कर लिया। अभी उसको बाद में बताऊँगा तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया, रिजल्ट आया नहीं तुमने मुझे तंग कर दिया। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, खाना वगैरह खाऊंगा और अपना काम करूँगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल फ्राइडे कल पॉडकास्ट की शूट है तो इंशाल्लाह वो संडे को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉग भी अपलोड होगा, वो पॉडकास्ट अलग है, वो अलग अपलोड होगा। लेकिन संडे को जो सैटरडे को ब्लॉग बनेगा वो ब्लॉग भी अपलोड होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।